अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबका। आप जहाँ जहाँ कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें। आज बहुत ही खूबसूरत सुबह, फ्रेश मॉर्निंग थी। मैंने सोचा मैं आपके साथ व्लॉग बना लूँ, शेयर कर लूँ इसको। तो ये हमारे घर का लॉन है, उसमें फ्रेश लेमन लगे हुए हैं, ये देसी लीमू है। लास्ट टाइम मैंने इसका अचार बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। अभी ये कच्चे हैं, अभी ये तैयार हो रहे हैं। साथ ही में मैंने सोचा कि आज मैं चिकन कॉर्न सूप बना लूँ, और साथ ही मैंने आज वेजिटेबल राइस बनाए थे और सैलड वगैरह लंच के लिए तैयार किया था। सुबह मैं जल्दी उठ के नमाज़ पढ़ ली मैंने, और फिर बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है ना, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि हम थोड़ा सा सो लें, क्योंकि रात भी थोड़ी लेट हो जाती है और सुबह सुबह फिर फजर के टाइम उठना होता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि फजर की नमाज़ के लिए ज़रूर उठना चाहिए, चाहे हम बेशक रात को जितना मर्ज़ी लेट सोएं, लेकिन अगर दिल में आप तहैया कर लेंगे कि हमने सुबह उठना है, तो ज़रूर अल्लाह के हुक्म से आँख खुल जाती है। तो अल्लाह मियाँ हम सबको तौफीक दे सुबह की फजर की नमाज़ पढ़ने की। बाकी चार टाइम की तो हम पढ़ते हैं, तो मेरी सम टाइम मिस हो जाती है फजर की, तो मैं कज़ा पढ़ लेती हूँ। पता नहीं, मुझे फजर की नमाज से बहुत लगाव है, वो मिस हो जाए तो मेरा सारा दिन ऐसे अजीब सा गुजरता है। तो सूप बनाने के लिए मैंने चिकन चढ़ा दिया था, अब मैं वेजिटेबल्स काट रही हूँ। तो वेजिटेबल्स जो हैं, आजकल थोड़ा विंटर सीज़न है, तो बहुत फ्रेश और जूसी वेजिटेबल्स आई हुई हैं। तो कोशिश ये की करया करें कि जो है ना, बच्चों के लिए आप वेजिटेबल्स ज़रूर रेडी किया करें, किसी भी तरीके से कुक करके। कोशिश ये किया करें कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खिलाए जाएं। आप बेशक सैलड बना लें, इसका सूप बना लें, कुक कर लें, पास्ता में बना लें वेजिटेबल्स, किसी भी फॉर्म में आप ज़रूर खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। ये हेल्थ के हिसाब से बहुत जो है ना, यूज़फुल होती हैं और बहुत हेल्दी होती हैं। वेजिटेबल्स की फ़ाइन कटिंग कर लें, और प्याज, लहसुन, अदरक ये सब पेस्ट वगैरह इनकी पहले बना लें। कटिंग पहले कर लेंगे तो काम जो है ना, थोड़ा आसान हो जाता है। अब हमने जो है, जिस टाइम कुकिंग करनी है उस टाइम जो है ये सूप बनाना है, तो फिर हम ये ऐड करेंगे, लेकिन कटिंग हम इसकी पहले कर लेंगे तो इस तरह हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, काम जो है थोड़ा संभल जाता है। घर के काम आपको पता है सुबह से लेकर शाम तक ख़त्म ही नहीं होते हैं, चाहे मासी हो जो भी हो, लेकिन औरत जब तक खुद घर का काम नहीं करती, तब तक वो ना ही काम में बरकत होती है, ना ही इतनी सफाई होती है। हम सिर्फ मासियों पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं, हमें ख़ुद भी साथ साथ करना पड़ता है, तो ही कहीं जाके ये सारा काम निपटता है। और आपको पता है, अपने हाथ से काम करने का मज़ा ही कुछ और है, उसमें और ही जो है ना, लुत्फ आता है काम करने का। ये मेरी वेजिटेबल्स सारी कट हो गई हैं, फाइन कटिंग कर ली है मैंने। अब 15 से 20 मिनट हो गए थे मेरे चिकन मैंने बॉईल करने के लिए रखा था, उसमें 1 टीस्पून मैंने सिर्फ नमक ऐड किया था। तो अब हम इसको निकालते हैं, फिर हमने इसको श्रेड कर लेना है। सूप थोड़ा रेडी हो जाए, फिर साथ ही में इसमें राइस, जो मैंने वेजिटेबल राइस बनाए हैं, वो मैं बनाने के लिए रख दूँगी। अब ये हमारा चिकन गल गया है अच्छी तरह से, चिकन को श्रेड कर लें। बहुत गर्म है, मेरे तो हाथ जल रहे हैं, आप ध्यान से करिएगा। हड्डी को और बोटियों को अलहदा कर लें, चाहे आप इसको बिल्कुल बारीक श्रेड कर लें या थोड़ा सा मोटा मोटा रहने दें। मैं 3-4 किस्म के सूप बनाती हूँ, तो इसमें मैं थोड़ा आज थोड़ा बारीक करूँगी इसके जो चिकन के पीसेस हैं, इसको श्रेड करके इसके थोड़े छोटे पीसेस चाहिए मुझे। तो इसके अलावा मैं चिकन क्यूब्स का भी बनाती हूँ, सिर्फ क्यूब होते हैं चिकन के, वो बना लेती हूँ।
चिकन श्रेड होगी या वेजिटेबल्स हमें इस तरह की चाहिए, साथ में कॉर्न हमें चाहिए, कॉर्नफ्लोर, अंडे, नमक, काली मिर्च, साथ में ही हमें सिरका और सोया सॉस चाहिए। यखनी हमारी बॉयल हो रही है, इसमें आप श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर लें ताकि ये और भी ज़्यादा अच्छी तरह गल जाए। फिर इसमें 1 टीस्पून नमक का और साथ में 1 टीस्पून ब्लैक पेपर का शामिल करें और ये साथ में कॉर्न पहले थोड़ा सा इसका पानी ऐड करें और 3 से 4 चम्मच इसमें आप भर के कॉर्न्स के डाल दें। इसको बॉईल होने दें थोड़ी देर के लिए और मिक्स कर लें इसको। अब इसमें तमाम मिक्स वेजिटेबल्स डाल दें, वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी की भी ऐड कर लें और इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। बहुत जल्दी और बहुत मज़े का तैयार हो जाता है। राइस के साथ खाएं या आप इसको ऐसे ही सूप के तौर पे पी लें, ये बहुत मज़े का लगता है। सोया सॉस और सिरका भी हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये जिस टाइम सर्विंग करेंगे तो जिसने डाला होगा अपनी मर्ज़ी से डालेगा, इस तरह अगर कम या ज़्यादा हो जाए इसका फ्लेवर वो फिर अच्छा नहीं लगता। मैं लास्ट में जो है ना सर्विंग के टाइम डालती हूँ। अब कॉर्न डाल लें, मैंने आपको बताया था ना कॉर्न्स मुझे पसंद है, मैंने बाद में और डाले हैं, मुझे अच्छे लगता है इसका टेस्ट कॉर्न्स का और सूप में वैसे ही मुझे अच्छा लगता है। आपको नहीं पसंद बेशक ना डालें। अब इसमें 2 अंडे हमने फेंट लिए हैं वो डाल दें। कुछ लोग सिर्फ सफ़ेदी डालते हैं लेकिन मैं पूरे ही अंडे डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी कॉर्न का जो है अंडे में डालें ताकि थोड़े फ्लफी सा हो जाए अंडा और फिर जो हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे, इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता शामिल करें। डेली रूटीन में मसला होता है आज हम क्या पकाएं, ये लेडीज़ के लिए सबसे बड़ा मसला है। इसलिए अगर आप रात को ही इसको मतलब सोच के रख लें कि सुबह हमने ये बनाना है तो हमारे लिए जो ना दिन भर ये सोचना नहीं पड़ता और काम आसान हो जाता है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि हम रात को मेन्यू सोच लें हमने सुबह क्या पकाना है, क्योंकि पकाना तो हमने हर हालत में है डेली रूटीन में, तो फिर ये घर का ही खाना खाना चाहिए। बाहर का आपको पता है इतना नहीं होता हेल्दी। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल लें, मुझे हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, उसकी खुशबू भी अच्छी आती है। कम ही डालें क्योंकि बच्चों को मिर्चें लगती हैं तो इसलिए। अब ये कॉर्न फ्लोर था हमारे पास 3 टेबल स्पून, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये भी आस्ता आस्ता डाल दें, मैं इसमें कम ही डालूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थिक जो है सूप नहीं पसंद, थोड़ा पतला पतला हो, गाढ़ा सूप मुझे अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा ऐसे पतला हो थिन हो तो ज़रा खाने में टेस्टी लगता है। इसको हम 10 से मिनट के लिए ना और दम पर रखेंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरह कुक हो जाए। हमारा सूप रेडी हो गया है, इसे किसी बॉल में निकाल लें। गरम गरम सूप रेडी है, पर गार्निश कर लें थोड़ा से इसकी हरी प्याज के साथ। यम्मी और टेस्टी सूप तैयार हो गया है। मैंने आपको बताया मैं 3-4 किस्म का बनाती हूँ सूप, जिसमें चिकन के जो क्यूब्स होते हैं उसके साथ भी बनाती हूँ, ये चिकन श्रेड करके भी बनता है और कुछ विदाउट वेजिटेबल्स के भी होता है। ये आगे जाके मैं आपको और भी वीडियो शेयर कर दूँगी। अब इसको आप सॉसेस के साथ, चिली सॉस है हमारे पास, सोया सॉस है और मैंने 2-3 हरी मिर्चें बारीक फाइन कटिंग करके उसको 2-3 टेबल स्पून सिरके में मैंने डिप कर दिया था। इससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, जिसने डाला होगा अपनी मर्ज़ी का हिसाब से डाल देंगे और इंजॉय करेंगे इस तरह। अब मेरा सूप रेडी है, मैं साथ ही अब मैं राइस बनाने लगी हूँ फटाफट से। अब ये राइस बन जाए, बस इसमें प्याज हल्का सा ब्राउन करें
और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें साथ में ही। राइस तो हर किसी को पसंद होते हैं, बच्चों बड़ों को जैसे मर्जी, चाहे वेजिटेबल्स राइस हैं, चाइनीज़ राइस हैं, पुलाव है, खासकर बिरयानी, बच्चों को बड़ों को सबको बिरयानी जो है ना बहुत पसंद होती है और डेली रूटीन में तकरीबन डेली ही बनते हैं राइस और सबको ही मज़े के लगते हैं। मेरे घर में भी मेरे बच्चे बिरयानी बहुत शौक़ से खाते हैं। अब इसमें वेजिटेबल्स, आलू, मटर, गाजर और शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, जो जो आपके पास वेजिटेबल्स हैं वो डाल दें। हाँ, मेरे पास बॉयल चिकन था, पहले से बॉयल किया हुआ था मैंने, वो भी इसमें ऐड कर लें। इस तरह बच्चे ज़रा ज़्यादा शौक़ से खा लेते हैं राइस, वेजिटेबल राइस जो हैं, वरना आपको पता है बच्चे कहाँ इतने शौक़ से खाते हैं वेजिटेबल्स। इस तरह की आप हेरा फेरी करके चीज़ें बच्चों को खिला दिया करें, खुश होकर खा लेंगे। मैंने बीच में कॉर्न भी डाल दिए। वेजिटेबल्स राइस में जो है इतने ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं, सिर्फ एक से आधा चम्मच हमने इसमें नमक का डालना है, एक से आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर का डाल दें, कुटी हुई लाल मिर्च, ये मेरी फेवरेट है, ये मैं हर खाने में डालती हूँ, एक से आधा चम्मच वो डालते हैं, इससे कलर और खुशबू बहुत मज़े की आती है। इसमें थोड़ा सा आप सोया सॉस डाल दें, इससे भी जो है ना फ्लेवर राइस का मज़े का हो जाता है। थोड़ा सा सिरका भी डाल दें, इससे सिरका डालने से राइस जो हमारे खिले खिले बनेंगे। ऊपर से फ्रेश आप इसमें बंद गोभी डाल दें, इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। बस अब मिक्स करें, इसमें दो से तीन ग्लास आप पानी के डाल दें। मेरे पास 1 kg राइस थे, उस हिसाब से मैंने पानी डाला है और 2 मिनट के लिए दम पर रख दें। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स हमारी हाफ कुक हैं, इसमें 1 kg हमने राइस जो है पहले वॉश करके इनको भिगो दिया था पानी में, आधे घंटे के लिए इनको भिगोया था। अब इसमें आप जो हैं वेजिटेबल्स वाले पानी में डाल दें और 10 मिनट की दम पर रख दें। हाँ जी फ्रेंड्स, ये देखें हमारा लंच तैयार हो गया है। मैंने वेजिटेबल्स राइस बनाए, साथ में मैंने सैलेड काटा है, सूप है और मैंने रात को आलू गोश्त बनाया था, वो भी है। तो जिसने वो खाना होगा गरम करके साथ में खा लेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है मुझे बताइएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें।